सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम इस खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही थी, लेकिन उसके पहले दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए जिसने कंगारुओं की नींद उड़ा दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें उस समय बढ़ गई जब उनका दूसरा ग्रुप मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। लंदन के ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच सोमवार को खेला गया डे नाइट मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के रद्द हो गया। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया का ये लगातार दूसरा मैच है जो बारिश के कारण धुल गया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के साथ अंक बांटने पड़ गए। निर्धारित 50 ओवरों में बांग्लादेश के द्वारा जीत के लिए 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 16 ओवरों में एक विकेट पर 83 रन बना लिए थे, लेकिन तभी इंद्र देवता ने अपनी दस्तक दे दी और मैच दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दोनों टीमों को एक ऋण एक अंक आपस में बांटने पड़े। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दो मैचों में दो अंक हैं, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में शिकस्त झेलने वाली बांग्लादेश की टीम के दो मैचों में एक अंक है। बता दें कि टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हो गया था। बारिश की भीड़ चढ़े दोनों मैचों के कारण अब टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब अपना आखिरी ग्रुप मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच नॉकआउट की तरह होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया यह मैच हार जाती है तो उसका चैंपियंस ट्रॉफी का अभियान सेमीफाइनल से पहले ही थम जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उसके सिर्फ दो अंक ही रह जाएंगे जो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं होंगे। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।